एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंपलीफाइड बाय सारिका। सो आई नो हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद एडॉप्शन पे कोई वीडियो आ रही है। एक्चुअली कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी, आपको बहुत जल्द वो रीजंस पता चल जाएंगे। इस दौरान मुझे ईमेल पे काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी, यूट्यूब पे क्वेश्चंस आ रहे थे, उनके आंसर्स में टाइम बाय टाइम दे रही थी, लेकिन एक क्वेश्चन ना बहुत रिपीट हो रहा था कि रेफरेंस लेटर के बारे में और बताइए, रेफरेंस लेटर क्या होता है एंड ऑल। डॉक्यूमेंट्स वाला जो वीडियो है वो अगर आपने ठीक से देखा होगा तो उसमें मैंने सिर्फ रेफरेंस लेटर ऐसे बोला है, तो उस पॉइंट को तब ना थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहिए था, वो गलती मुझसे हो गई है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेफरेंस लेटर के बारे में आपके जो जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स एंड रेफरेंस लेटर क्या होता है ओवरऑल, वो आपको मैं इलैबोरेट करके बताऊंगी। तो रेफरेंस लेटर मतलब क्या, हम अभी क्या होता है, एडॉप्शन एजेंसीज को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो पता करने के लिए वो जो जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उनमें से ये एक डॉक्यूमेंट है रेफरेंस लेटर। मतलब ऐसे लोग जो हमें हमारी शादी के वक्त से आज की डेट तक जानते हैं, आपकी शादी को जितने भी साल हुए होंगे 5 साल से आगे ही कंसिडर करता है कारा, ये आपको पता होगा। आपकी शादी को जितना भी ईयर पास हुआ है तब से वो लोग आपको जानते हैं, आप लोग साथ में रह रहे हो, आप लोग बिना झगड़े के साथ में रह रहे हो, वो सब ऐसे ही लोग उनको चाहिए होते हैं। तो वो लोग हम डिसाइड कर सकते हैं वो कौन, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर्स, तो वो आप पे है। रिलेटिव्स का मेरे हिसाब से एक ही चलता है रेफरेंस, टोटल रेफरेंस लेटर कितने लगते हैं तो 3 लगते हैं, है ना। तो रिलेटिव्स का एक चल जाता है, फ्रेंड का चल जाता है, नेबर का अगर आप कंफर्टेबल हो तो नेबर का ले लीजिए। हमारे मम्मी डैडी का नहीं चलता क्योंकि उनका अलग से कंसर्न लेटर आएगा, वो अलग होता है, ये रेफरेंस लेटर है। तो ऐसे आप 3 लोग कौन से सिलेक्ट करने हैं, कौन से डिसाइड करने हैं, वो आप पे रहेगा। वो कोई मतलब जबरदस्ती नहीं रहती कि इनका ही चाहिए, आपके नेबर का ही चाहिए, नो नॉट एट ऑल, ऐसे नहीं होता। और कोई HSR एजेंसी अगर ऐसा बोल रही होगी तो आप प्लीज पहले गाइडलाइंस अच्छे से रीड कीजिए कारा के, एंड उसमें कहीं पे भी ऐसे मेंशन नहीं है कि कोई हमें फोर्स कर सकता है, कि क्योंकि नेबर्स का कोई रोल ही नहीं होता एडॉप्शन की प्रोसीजर में। हमारे पेरेंट्स का होता है, दोनों तरफ के पेरेंट्स का, हमारे रिलेटिव्स का हल्का फुल्का होता है, लेकिन नेबर्स नो, दे आर नो वन। ओके, सो आई होप अब सबको पता चल गया है कि रेफरेंस लेटर क्या होता है, एटलीस्ट है ना, किन से लेना होता है। तो उसमें क्या लिखना होता है, उसमें हमने जो लिखा था वो आपको बोलूंगी कि XYZ फ्रेंड्स का नाम, कि मैं XYZ फ्रेंड, मैं इनका फ्रेंड हूँ और मैं, मुझे पहचानते हैं या कल्पेश को पहचानते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को, वो क्लैरिफाई होना चाहिए, मैं इनको पहचानूं। लेकिन किसी एक को ही अगर पहचानते होंगे तो ऐसे फ्रेंड नहीं चलते, कॉमन फ्रेंड होगा दोनों का भी तो चलता है। तो मैं सारिका और कल्पेश को इनकी शादी के डेट से आज तक पहचानता हूँ, मैं इनका फ्रेंड हूँ, इतने इतने सालों से मैं इनके साथ हूँ और ये दोनों फ्रॉम मैरिज टिल डेट बहुत अच्छे से साथ में रह रहे हैं और इनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एंड ये बेबी अडॉप्ट करने के लिए मतलब इमोशनली स्टेबल हैं एंड ऑल। ये आपको HSR एजेंसी वाले बहुत अच्छे से बोलेंगे कि इसमें और कुछ अगर उनको एड ऑन पॉइंट्स चाहिए होंगे, हमारी एजेंसी का कुछ ऐसा ये नहीं था कि यही चाहिए वो ही चाहिए उसमें वो लिखवा के लाओ, नहीं, उन्होंने बोला था कि सिर्फ इतना ही चाहिए कि वो आपको शादी वाले डेट से लेके आज तक पहचानते हैं, बस उन्होंने उतना लिखना चाहिए, बस इतना ही हमने फिर इतना ही लिखवाया था। हमारी मेंटल कंडीशन एंड ऑल उसके लिए तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट आ ही जाता है, तो उसमें इन लोगों का कोई काम नहीं। तो इतना छोटा सा वो 4-5 लाइन में ही लिखा हुआ होता है, नीचे उनका साइन। लेकिन ये सब है ना, आप ये रेफरेंस लेटर इंग्लिश में बनवाओ, क्योंकि हमारा क्या हुआ था, हमने बनवाए थे मराठी में, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो हमने मराठी में लोकल लैंग्वेज में ही बना लिए थे, लेकिन हमारा जो बेबी आया वो बहुत अलग ही स्टेट से आया, तो वहाँ पे ये लैंग्वेज उनको पता ही नहीं थी और रीडेबल भी नहीं थी उन लोगों के लिए।
तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसे 3-4 डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये था रेफरेंस लेटर, तो वो इंग्लिश में हमको कन्वर्ट करना पड़ा था। तो हमें वापस रेफरेंस लेटर्स टाइप करके उन लोगों से वापस सिग्नेचर लेने पड़े थे। बट थैंकफुली वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उनमें से एक थे कल्पेश के फ्रेंड, जो हम दोनों को बहुत अच्छे से जानते बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो, इसलिए उनका एक लिया था। एक लिया था मेरी आंटी का, जो हमारे ही ऊपर रहती थी, तो हमने ऐसे सोचा था एज अ नेबर अगर उनको कोई चाहिए तो मेरी आंटी तो मेरे ही ऊपर रहती थी, तो उनका ले लिया था मतलब। एंड थर्ड वाला हमने लिया था, एक कल्पेश के दोस्त थे, एक कल्पेश के ऑफिस कलीग्स थे, उनसे लिया था। एंड वन मोर मेरी जीजाजी से भी लिया था। तो हमने ऐसे 4 या 5 रेडी करके रखे थे कि वो जो एक्सेप्ट करेंगे उनमें से 3 छाट के वो अपने हिसाब से ले लेंगे इसलिए। ओके, तो आप भी ऐसे फ्रेंकली उनके साथ सब खुल के बोलिए, आप वो आपसे ना अच्छे से मतलब आंसर्स देते हैं। अगर नहीं दे रहे वो आंसर्स तो HSR एजेंट से आप बदल सकते हैं, लेकिन इतने से पॉइंट के लिए क्यों बदलना है ना। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि रेफरेंस लेटर क्या होता है, क्यों होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि रेफरेंस लेटर की PDF साइज क्या होगी। सो रेफरेंस लेटर PDF में नहीं, क्योंकि हमें वो ऑनलाइन नहीं सबमिट करना है, हमें वो प्रैक्टिकली देना है ऐसे बना के। हमें वो प्रैक्टिकली HSR की जो एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे ना, वहां पर रेफरेंस लेटर लगने वाला है। लेकिन कारा की जो थी ना डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, उसमें रेफरेंस लेटर आ गया था, इसलिए मैंने वो उसमें एड ऑन किया था, क्योंकि मुझे भी पता था ये जो PDF में जो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उसमें रेफरेंस नहीं जाता लेटर, लेकिन उन्होंने दी थी वो लिस्ट, इसलिए मैंने भी एज इट इज दे दी। तब मुझसे सिर्फ उतना ही सेंटेंस बोलने का रह गया कि इसकी PDF साइज नहीं लगती, ये आपको प्रैक्टिकली ये HSR की एजेंसी को सबमिट करना होता है। तो आई होप रेफरेंस लेटर के रिगार्डिंग अभी आपके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ये इतना छोटू सा वीडियो आएगा, तो ये इसको शेयर कीजिए, क्योंकि रेफरेंस लेटर के बारे में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे या इतना उसका कॉम्प्लिकेशन होगा, ये मैंने तब नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि HSR की एजेंसी तो बोल ही देती है ना रेफरेंस लेटर के बारे में। मे बी कोई कोई एजेंसी के मतलब जो सोशल वर्कर्स हैं वो थोड़े से कम बात कर रहे हैं, या वो आपको थोड़ा कम नॉलेज दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। तो आपके इसीलिए क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, लेट इट बी। लेकिन मैं हूँ यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस, जितना मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे ही मैं क्वेश्चन के आंसर देना प्रेफर करती हूँ। जिनका नॉलेज मुझे नहीं है वो मैं कमेंट बॉक्स में भी क्लियरली आपको बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ HSR एजेंसी के सोशल वर्कर से ही पूछें। ओके, तो आई होप आपको रेफरेंस लेटर क्यों इस्तेमाल करना है, क्या होता है, ये सब पता चल गया है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर का। आई होप आप वो भी वीडियो पक्का वाला देख लोगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो से ना आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। पहला एक Part 1 आ चुका है, आपने नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स देती रहती हूँ, तो वहाँ पे जो जो लिंक्स मैंने दिए हैं आप 1 by 1 वो लिंक्स देख लेंगे। अगर आपके प्रॉब्लम वगैरह होंगे कुछ एडॉप्शन की प्रोसीजर को रिगार्डिंग, तो आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी प्लेस कर सकते हो। ओके, सो टिल देन बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय।